दोस्तों आखिर फैक्ट्री में कुरकुरे बनता कैसे है? ये कुरकुरे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को खाना बहुत पसंद है, पर जिस कुरकुरे को आप खाते हो क्या आपको पता है कि उस कुरकुरे को बनाया कैसे जाता है? और बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह चलता रहता है कि ये कुरकुरे हमारे सेहत को नुकसान तो नहीं पहुँचाता है। तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे कि कुरकुरे फैक्ट्री में बनता कैसे और इसमें कौन कौन सी चीज मिलाई जाती है। कुरकुरे बनाने का शुरुआत होता है भारत के कलकत्ता के पेप्सिको कंपनी के द्वारा। इंडिया के सबसे अच्छे क्वालिटी का मक्का का आटा, चने का आटा और स्पाइसी मसाले, ये सब कच्चे माल के रूप में बहुत सारे मंगा लिए जाते हैं। इस माल को पहुंचाने वाले सप्लायर को पेप्सिको कंपनी अपने ग्लोबल के हिसाब से सेफ्टी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करती है। इससे पहले ट्रक से सारा कच्चा माल कंपनी में उतरे, इससे पहले क्वालिटी कंट्रोल लैब में इन सभी मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है और यह प्रोडक्ट रिपोर्ट के हिसाब से सही नहीं निकलता है तो सारे माल को रिजेक्ट कर वापस भेज दिया जाता है। और जो प्रोडक्ट टेस्टिंग के समय सही निकलता है उसे कंपनी अपने पास रख लेती है। और यहाँ पर चने, चावल और मक्के के आटे को मिक्स कर लिया जाता है और इसको मिक्स करते समय हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखा जाता है और यहीं से कुरकुरे बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। इसके बाद चावल के आटे, चने के आटे और मक्के के आटे के मिश्रण को ब्लेंडर मशीन में डालकर ब्लेंड किया जाता है, यानी गूथा जाता है। ये मशीन इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देता है और इसको मिक्स करते समय थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाया जाता है जिससे इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर पेस्ट तैयार होने के बाद इसको दूसरे मशीन में भेजा जाता है जो कुरकुरे के टेढ़े में शेप को तैयार कर देता है। इस मशीन को स्टैंडर भी कहते हैं और यही मशीन कुरकुरे को कुरकुरे की असली शेप देती है। कुरकुरे का शेप तैयार होने के बाद इसे फ्राइंग मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर इन सारे मटेरियल को तेल में फ्राई किया जाता है। साथ ही ये मशीन कुरकुरे को बहुत ही क्रिस्पी बना देती है, यानी चटकदार। और यहीं पर कुरकुरे में एडिबल ऑयल को भी मिलाया जाता है जिससे इनका टेस्ट बरकरार रहे। इसके बाद इन सारे कुरकुरे को मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है और इसके बाद अब बारी आती है कुरकुरे को मशीन के सिजलिंग टेम्पर में भेजने की जहाँ पर इन सारे कुरकुरे में चटपटी मसालों को मिलाया जाएगा। इस मशीन में आने से पहले सारे कुरकुरे सादे रहते हैं लेकिन इसी मशीन में कुरकुरे आने के बाद कुरकुरे इतने टेस्टी हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कुरकुरे के मसाले को चारों तरफ से कैसे मिक्स किया जाता है। और यहाँ पर कुरकुरे में मसाले मिक्स होने के बाद आगे भेजा जाता है जहाँ पर इन्हें पैकेट में पैक किया जाएगा। लेकिन पैक करने से पहले एक बार फिर से सैंपल्स चेक किए जाते हैं कि कहीं धूल मिट्टी कुरकुरे में न चला गया हो। और फिर कुरकुरे का क्वालिटी चेक होने के बाद कुरकुरे को पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है और फिर यहाँ पर पैकिंग को शुरू किया जाता है। और फिर कुरकुरे पैकेट में बंद होने के बाद इन्हें मार्केट में भेजा जाता है। तो आप देख ही लिए होंगे कि कुरकुरे को बनाते समय कितना ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि कुरकुरे 10 अलग अलग फ्लेवर में आता है, लेकिन आप कितने फ्लेवर खाए हैं कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।